एक कहानी बहुत फेमस कहानी चलती है, वो इंग्लिश के राइटर में थी। मैंने एक बार वो इंग्लिश में पढ़ी थी। कहानी का नाम था उत्तर प्रदेश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंग्लिश में पढ़ाई जाती थी। गोल्डन बाउल, द गोल्डन बाउल, सोने की कटोरी। वो कहानी हमने कई बार पढ़ी, बड़ी रोचक कहानी लगी और अच्छी भी लगी। उसमें कहानियाँ भी आती थी, मतलब जो उसमें क्वेश्चन आंसर आते थे। कहानी वो इस प्रकार है कि एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसकी एक पोती रहते हैं। बहुत अमीर कभी किसी जमाने में रहे, बड़ी आलीशान उनकी कोठी, मगर अभी तो उस कोठी में कोई साफ सफाई करने वाला भी नहीं है। लड़की है वो और उसकी बूढ़ी दादी है। दादी को अपने पुराने दिन याद हैं, मगर जो पोती है उसको पता नहीं कि हम कितने बड़े लोग थे और हमारे साथ क्या हुआ। वो अपने में मस्त रहती है। छोटा सा शहर है, कस्बा है। पूरे दिन वो लोग मेहनत मजदूरी करके, घर में किसी के बर्तन चाकरी करके, जो टूटा फूटा रूखा सूखा एक आध समय का होता था खा लेते थे। कहीं से कोई कपड़ा मिला तो वो पहन लिया। घर के लगभग सारी चीज़ें बिक चुकी हैं, अब उनके पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं है। जीवन चल रहा है जैसे चलता है और कोई उनके पास चारा भी नहीं है। बूढ़ी बहुत बूढ़ी हो चुकी है और लड़की अभी लड़की है, नादान है, उसे समझ नहीं है। तभी अचानक कानों में आवाज़ आती है, हीरे मोती का हार ले लो, मोती का हार ले लो। फेरी वाला आया, फेरी वाला आया, हार ले लो, बाली ले लो, कुंदे ले लो। छोटी लड़की का जो मन है वो थोड़ा विचलित होता है और वो अपनी दादी से कहती है, अम्मा मुझे ना एक हार दिला दो। अम्मा समझदार है, वो कहती है क्या करेगी हार लेके, कुछ नहीं होता, हार में खराब हो जाता है। नहीं नहीं अम्मा, मैं तो हार लूँगी, मुझे तो हार दिला दो। देखो वो मेरी सहेली भी पहनती है, वो सहेली के पास झुमके बहुत अच्छे हैं। मन विचल जाता है, विचलित हुआ मन अम्मा को परेशान करता है। तो कहती है कि हम हार वाले को देंगे क्या, हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं। तो वो लड़की कहती है कि अम्मा अम्मा एक कटोरी रखी हुई है वहाँ गंदी सी ढेर में, जो पुराने सामानों का ढेर था जिसमें लकड़ी वकड़ी के सामान पड़े हुए हैं, मैं लेके आती हूँ। तो अम्मा कहती है अरे इस कटोरी का कोई क्या देगा, वो तो बेकार कटोरी है, कटोरी के बदले में कुछ नहीं मिलेगा। लड़की फिर जिद करती है, अम्मा बुलाओ ना बुलाओ ना। लड़की का मन रखने के लिए उस फेरी वाले को आवाज़ देती है, फेरी वाले ज़रा अंदर आओ। फेरी वाला अंदर आता है, कहता है एक माला दिखाना। वो माला दिखाता है, उस लड़की को बहुत पसंद आती है। कहता है इसका मूल्य तो 4 सिक्के हैं। वो कहते हमारे पास सिक्के तो है नहीं, ये कटोरी है, इस कटोरी के बदले अगर तुम दे सकते हो तो दे दो। तो जो वो फेरी वाला होता है वो बड़ा ज्ञानी होता है क्योंकि उसका रोज का काम है। तो वो देखता है लकीर खींच के उस पर, उसको लगता है कि ये तो किसी अमूल्य धातु की है। लकीर खींचता है तो पता चलता है कि वो तो सोने की है। सोने की लकीर खींचते ही जैसी लकीर खींचता है वैसे ही उसको मन में लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है और वो सोचता है कि इस बुढ़िया से, इस बच्ची से मैं इसको वैसे ही हथिया लेता हूँ बिना कुछ दिए। तो वो कहता है कि अरे ये तो बहुत बेकार सा है और ये तो कोई धातु लोहे का है, इसका तो कुछ नहीं मिलने वाला है और ये तो एक पैसे की भी नहीं है। और ऐसा कहते हुए उसको ज़मीन पे पटक देता है और गुस्से में अपना सामान उठा के वहाँ से चल देता है। बूढ़ी औरत और वो लड़की हक्का बक्का अपना टूटा हुआ मन लेके और उसके अजीब से व्यवहार को देख के दोनों दंग रह जाती हैं और वो अपना सामान बटोर के निकल जाता है। उसका एक साथी भी है क्योंकि दो साथी वहाँ सामान फेरी के साथ एक साथ बेच रहे हैं और वो नदी को पार करके आए हुए हैं। तो वो गली से निकल जाता है और गली से निकलने के बाद में पीछे घूम के देखता है कि शायद बूढ़ी औरत आवाज़ देगी या लड़की आवाज़ देगी, मगर बूढ़ी औरत का और लड़की का मन टूट जाता है उसके व्यवहार से और वो आवाज़ नहीं देते और अपना मन को कंट्रोल करके बैठ जाते हैं, संयत करके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरे फेरी वाले की आवाज़ आती है, हार ले लो, झुमकी ले ले लो, बिंदी ले लो। लड़की का मन फिर मचलता है,
वो अम्मा से कहती है, अम्मा दूसरा फेरी वाला आया है, इसके हम कोशिश करते हैं। बूढ़ी समझदार है, वो कहती है रहने दे, कोई फ़ायदा नहीं। अम्मा अम्मा बुलाओ ना, मना ही तो कर देगा। अम्मा उसकी बात सुन के उसका मन रखने के लिए बुला लेती है। वही बात पुरानी होती है और वो उसको वो बाउल दिखाते हैं। बाउल देखने के बाद में वो जो फेरी वाला है वो कहता है दूसरा फेरी वाला, अम्मा ये बाउल तो बहुत कीमती है, ये तो सोने का है। मेरे पास अगर मैं तुम्हें अपना सारा सामान भी दे दूँ और सारा पैसा भी दे दूँ तो भी मैं इसका कीमत नहीं दे सकता, मैं इसका कुछ नहीं करूँगा, तुम इसको बाउल को रख लो, इस कटोरी को रख लो। तो बूढ़ी औरत कहती है, अरे अभी एक फेरी वाला आया था, वो तो कहता था कि ये एक पैसे की भी नहीं है, ऐसा लगता है कि तूने इसको छुआ है तो तेरे हाथ से ये सोने की हो गई है, तो तू एक काम कर इसको रख ले और हमको तो हार दे दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कहता कि नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो वो बूढ़ी कहती नहीं तू इसको रख ले, और बूढ़ी उसको इंसिस्ट करती है, फोर्स करती है। वो कहता अच्छा ठीक है, तो वो उसको 500 सिक्के जो उसके पास होते हैं वो देता है और 8 सिक्के अपने पास रख लेता है नदी को पार करने के लिए, और बाकी सारा सामान भी उसको देता है और उस कटोरी को अच्छी तरह से बांधता है और निकल जाता है। फिर जो पहला फेरी वाला है, जो लालची फेरी वाला है, उसको ध्यान आता है कि अरे मैंने अच्छी डील थी, अच्छा सौदा था, गुस्से में छोड़ दिया, चलो मैं दोबारा जाता हूँ और बूढ़ी को कुछ थोड़ा बहुत दे के उसको ले आता हूँ। तो वो फिर गली में जाता है और जाके कहता है, अरे बूढ़ी औरत कहाँ गई हैं, लाओ वो कटोरी दे दो, चलो मैं तुम्हें हार दे देता हूँ और तुम मुझे दे दो, तुम मुझे कुछ मत देना, मैं घाटा उठा लूँगा। तो बूढ़ी कहती है, भाई तुम तो कहते थे कि ये एक पैसे का नहीं है, वो दूसरा फेरी वाला आया, वो तो देखो सारा सामान भी दे गया और ये 500 सिक्के भी दे गया, और तुम तो कहते थे कुछ नहीं है, वो तो कहता ये सोने की है। इतना सुनते ही वो जो लालची फेरी वाला था उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि लालच बढ़ जाता है, उसका नुकसान हो गया, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ में वो उसके दिमाग में सूट कर जाता है, और दिमाग में सूट करने से उसकी एक नस फट जाती है और वो तेज़ी से भागता है नदी की तरफ, पागलों की तरह हरकत करता हुआ, मुझे नुकसान हो गया, मुझे कटोरी चाहिए, कटोरी चाहिए। और उधर वो नाव पे 8 सिक्के उसको दे के नाव पार करने लगता है, और वो कहता है नाव वाले नाव रोको, नाव रोको, नाव रोको, और उसके नस कितनी ज़्यादा फट जाती है, ब्लड का क्लॉट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहीं पे तड़पता हुआ मर जाता है। ये कहानी जो आपने सुनी गोल्डन बाउल के नाम से, ये कहानी जातक कथा नंबर 3 है। जातक कथा भगवान बुद्ध की 547 कथाएँ हैं, और अगर उप कथाएँ उनमें हम मिला दें तो लगभग ये 3000 हो जाती हैं। जातक कथाएं सूत पीटक में के खुंदक निकाय में आती हैं जातक के नाम से, और 10वां ये ग्रंथ है। जातक कथाओं के बारे में कहते हैं, जात माने जो होता है वो जन्म होता है यानी उत्पत्ति होती है, और जाति माने भी उत्पत्ति है, जाति और जातक का मतलब सेम है, और जात दिवस यानी कि उत्पत्ति का दिवस भी होता है जिसे जन्मदिन मनाते हैं। जातक कथाएँ वो कथाएँ हैं जो कुछ बुद्ध ने बताई हैं। कहते तो ये हैं कि बुद्ध के जन्म की घटनाएँ हैं, बुद्ध ने अपनी मेमोरी खोली और पीछे जो घटनाएँ बताई वो हैं, मगर आप इस पर यकीन कीजिए या मत कीजिए उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कथाएं लगभग मिक्स हो चुकी हैं। कथाओं का सार समझिए कि कथाएं सार क्या कहती हैं। जातक कथाएं बुद्ध के बाद जो बनी, जो भिक्षुओं ने जो धम्म को सिखाने के लिए पब्लिक औरत या जो भी लोग थे वहाँ थे गांव वाले, उनको बहुत सरल शब्दों में बताने के लिए ये कथाएँ बनाई। कुछ कथाएँ बुद्ध ने भी बनाई। उन कथाओं में बुद्ध खुद कभी नायक होते थे, कभी सहनायक होते थे, कभी वो खाली दर्शक होते थे। कथाएं बहुत तरह की हैं। ये कथाएं पद में हैं यानी कि कविताओं के रूप में हैं, जो बाद में टीका करके अर्थ करके इनको गद्य में बनाया गया, जो कहानी मैंने आपको सुनाई। ये कहानियां दुनिया भर में फेमस हैं। वड कथा, वड कहा पंचतंत्र के अंदर है, व्रत कथा मंजरी में है, कथा सरिता सागर में है, हितोपदेश में है यानी हित उपदेश में है, ये सब की कहानियाँ भी हैं। अलिफ लैला जो अरेबियन नाइट्स हैं उसके अंदर भी कुछ कहानियाँ हैं। ये जातक कहानियाँ बुद्ध के बाद पूरी दुनिया में प्रचलित हुई, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। इसमें जो सिखाया गया है वो सील समाधि और प्रज्ञा सिखाई गई। इन कथाओं में आडंबर नहीं है, इन कथाओं में चमत्कार नहीं है। अगर किसी कथा में आडंबर चमत्कार है और वो टॉलरेबल नहीं है तो वो कथा मिक्स की हुई है, मिक्स हुई कथाएँ भी चल जाती हैं। कई बार इसमें कथाओं में गप्पे, कथाएँ तो कथाएँ, कहानियाँ तो कहानी हैं, उनका किसी भी, क्योंकि गाथा जो होती हैं शुद्ध होती हैं, प्योर होती हैं, वो ऐतिहासिक होती हैं, मगर कथाएँ मिक्स हो सकती हैं, सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं, इसलिए कहानी बोलते हैं उनको। ये कथाएं जितनी भी हैं, जो कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, जातक कथाएं, ये बच्चों में और बड़ों में समान रूप से लोकप्रिय हैं, और ये आज भी अपनी उतनी ही वैल्यू रखती हैं। सभी काल में और सभी भाषा में इन कथाओं की बहुत मान्यता रही है।
ये कथाएं इतनी फेमस है कि इन पे टीवी के सीरियल भी बहुत सारे बने हैं, मगर इनके नाम और जगह जगह बदल दिए। जैसे ये कहानी मैंने आपको सुनाई, ये मैंने कहानी इंटरमीडिएट में सुनी थी जब ये इंग्लिश की मेरी लिटरेचर बुक में थी गोल्डन बाउल के नाम से। और यहाँ जो इसमें कहानी का नाम है, वो कहानी का नाम बड़ा सिंपल सा है, इसमें सोने की थाली या सोने की कटोरी या सोने की तस्तरी, ये नाम इसमें दिए गए हैं। कथा कहने वाला जो होता था उस समय, उसको जातक भाड़क बोलते थे। भाड़क, कथाओं को सुनाने वाले जो लोग होते थे या धम को सुनाने वाले, उनको भाड़क बोलते थे। और जो जातक कथाएं, जन्म की कथाएं सुनाते थे, उनको जातक भाड़क। जैसे ये आज मैंने कहानी आपको सुनाई है, तो उसका नाम है, मेरा नाम हो गया जातक भाड़क, यानी मैं आपके लिए आज की डेट में जातक भाड़क हो गया जब ये कहानी सुन रहे हैं। भाड़क का मतलब होता है टीचर या प्रीचर। मगर एक कमाल की बात यह है कि इसी भाड़क, क्योंकि ये भाड़क बहुत अच्छी बात है, बताते थे इसमें आडंबर और चमत्कार नहीं होता था, इसी भाड़क शब्द को बिगाड़ के भाड़ू बनाया गया। पहले भाड़ बनाया, फिर भाड़ू बनाया, और भाड़ू जो शब्द था उसका सम्मान खत्म कर दिया, यानी कि उसको अपमानित कर दिया। अप का जो मतलब होता है वो तुच्छ और छोटा होता है, अपमानित यानी कि छोटा माना हुआ, और जो सम्मानित होता है, सुमानित होता है, उसको बोलते हैं सम्यक यानी सही मानित, यानी कि सही मानित वाला जो शब्द है वो अप यानी छोटा मानित कर दिया, अपमानित कर दिया, और जो भाड़क थे उनको भाड़ू या भाड़ बना दिया गया, और उसको अपमानित करके छोटा करके ख़त्म करने की कोशिश की गई। बेसिकली जातक कथाओं को ख़त्म करने की कोशिश की गई। आपको मैंने जातक नंबर 3 सुनाई है, 547 हैं, लगभग 3000 जातक हैं। लगभग कोशिश की जाएगी कि आपको सभी जातक कथाएं हम बताएं। धन्यवाद।